आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पंकज त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी, दिव्यांदु शर्मा और अली फजल स्टारर मिर्जापुर 2 रिलीज हो गई, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि पहले इसे 23 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन फैंस का इंतजार उस वक्त खत्म हुआ जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इसे 22 अक्टूबर रात 8 बजे ही रिलीज कर दिया। मिर्जापुर के पहले सीजन ने ऐसा समा बांधा था कि लोग इसके अगले सीजन के लिए एक्साइटेड थे, और अब जब इसका दूसरा पार्ट रिलीज कर दिया गया है तो मानो फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की भरमार है। चलिए दिखाते हैं कैसे हैं लोगों के रिएक्शंस। एक यूजर ने मिर्जापुर 2 को भारत के इतिहास में नेक्स्ट लेवल सीरीज बताया है। अगले यूजर ने लिखा है कि गुड्डू पंडित मिर्जापुर के किंग हैं। अब पार्ट 2 के बाद मिर्जापुर पार्ट 3 का ही इंतजार रह गया है। इसके अलावा एक ने लिखा कि मिर्जापुर बहुत अच्छी सीरीज है, साथ ही पार्ट 1 का एक शानदार सीक्वल है, जिसमें लेखक, डायरेक्टर से लेकर पूरी कास्ट तक सभी ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि भौकाल इज बैक। तो दोस्तों, लोगों के रिएक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह मिर्जापुर आते ही लोगों के बीच छा गई है। बता दें कि इसके पहले सीजन के आखिरी एपिसोड में दिखाया गया था कि कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी के बेटे मुन्ना यानी दिव्यांदु शर्मा ने गुड्डू के छोटे भाई बबलू और उसकी पत्नी स्वीटी गुप्ता को मार दिया था और गुड्डू को जख्मी हालत में छोड़ दिया था, जिसे स्वीटी की बहन गोलू और उनकी बहन डिम्पी बचा कर ले जाती है। और इस सीजन में गुड्डू को मिर्जापुर चाहिए किसी भी कीमत पर, जिसे हासिल करने में उनका साथ देंगी गोलू गुप्ता यानी कि श्वेता त्रिपाठी। अब आगे की कहानी क्या है ये जानने के लिए आपको खुद मिर्जापुर 2 देखनी पड़ेगी। वैसे अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी।